18 की उम्र में सुनिधि चौहान ने घर वालों के खिलाफ जाकर की थी शादी। एक साल में ही हो गया था तलाक। सुनिधि चौहान ने अपनी अनोखी आवाज से गायकी की दुनिया खूब नाम कमाया। आज सुनिधि अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सुनिधि म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। हिंदी के अलावा सुनिधि ने मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बंगाली, असमी, नेपाली और उर्दू में भी गाने गाए हैं। सिंगर के अलावा सुनिधि एक फैशन आइकन भी हैं। सुनिधि ने साल 2013 में एशिया की टॉप 50 सेक्सीएस्ट लेडीज में अपनी जगह बनाई थी। सुनिधि ने अपने करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र से की थी। सुनिधि के पिता भी एक थिएटर आर्टिस्ट थे। छोटी उम्र में ही सुनिधि स्टेज शो और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करती थी। एक रियलिटी शो के दौरान एक ट्रेस तबसुम ने इस छोटी सी बच्ची के टैलेंट को पहचान लिया था। तबसुम ने सुनिधि के माता पिता से मुंबई आने के लिए कहा। इसके बाद सुनिधि ने मुंबई आकर दूरदर्शन के सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सुनिधि ने ये प्रतियोगिता जीतकर लता मंगेशकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। यहीं से सुनिधि ने संगीत की दुनिया में जगह बनानी शुरू कर दी थी। 16 साल की उम्र में सुनिधि को फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म मस्त में मौका दिया था। इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे थे। रुकी रुकी सी जिंदगी के लिए सुनिधि को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुनिधि अब करीब 3000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं। सुनिधि का करियर तो बहुत अच्छा चला, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। सुनिधि ने 18 साल की उम्र में अपने से 14 साल बड़े डायरेक्टर बॉबी खान से शादी कर ली थी। रही